स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारी सीरीज एक्सप्लोर उज्बेकिस्तान विद डॉक्टर स्क्यूरी में। और आज हम आए हैं एंडिजन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट। यहाँ पे आज हम इस यूनिवर्सिटी को आपको एक्सप्लोर करवाएंगे और इस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बताएंगे कि यहाँ पे क्या अच्छा है क्या नहीं है, कैंपस कैसा है, सारी चीज़ें आपको बताते हुए चलेंगे। तो चलिए चलते हैं अंदर। यूनिवर्सिटी की मेन एंट्रेंस है और यहाँ से एंटर करते हुए आप देख सकते हैं ये सिक्योरिटी यहाँ पे लगी हुई है कि विदाउट परमिशन आप अंदर नहीं जा सकते। आपके पास यूनिवर्सिटी का कार्ड वगैरह होने चाहिए तभी आप अंदर जा सकते हैं। तो चलो चलते हैं अंदर। ये यूनिवर्सिटी की मेन एंट्रेंस है। एंटर करते ही यहाँ पे डीन ऑफिस वगैरह सेकंड फ्लोर पे है और जो कुछ क्लासरूम्स हैं वो भी सेकंड फ्लोर पे है। अभी हम आगे बढ़ते हैं और आपको कैंपस का टूर करवाते हैं। जैसे कि ये क्लासरूम का एक टाइप था और इसमें आपने देखा ये एक एडवांस सिस्टम इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। टेक्नोलॉजी आपने देखी, इसमें पूरी की पूरी टोटल 19 सब्जेक्ट्स पूरी मेडिसिन इन्होंने इसमें डाली हुई है कि पेशेंट की क्या कंप्लेन है। वर्चुअली अगर पढ़ना चाह रहे हैं बच्चे यहाँ पे, जब प्रैक्टिस के लिए ही होता है कि हाँ पेशेंट क्या कंप्लेन कर रहा है तो उसके बेसिस पे आप बता सके कि उसको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। या फिर आपको एनाटॉमी पढ़ना है तो आप उसमें बोन मसल्स ही आप देख सकते हैं। लैंग्वेज इवन आप इंग्लिश में चेंज करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं और जो भी प्रैक्टिस है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं आगे। देख रहे हैं पूरा का पूरा यहाँ पे स्लाइड है। यहाँ पे प्रेजेंटेशन अगर कोई भी प्रोफेसर आते हैं तो वो प्रेजेंटेशन यहाँ पे देते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं इसमें सारी जो डायग्राम है ये, इसमें साथ में वीडियो भी चलती है, ये वीडियो प्रेजेंटेशन होती है साथ में एक ऑपरेशन जो मशीन है यहाँ पे। जैसा कि आप ये देख रहे हैं इसमें कोर्स के टॉपिक्स वगैरह हैं, सारी क्विज है, टेस्ट वगैरह अगर होता तो वो भी आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इस पे ही टॉपिक्स पे करते हैं और हमें जानना है किसी भी सिस्टम के बारे में, लाइक साइलेंट टिश्यू के बारे में जानना है, इंटेगुमेंट्री सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मसल टिश्यू एंड मस्कुलर सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, तो वो सब यहाँ पे है। फॉर एग्जांपल हम सर्कुलेटरी सिस्टम पे करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको क्या जानना है, इंट्रोडक्शन ब्लड या फिर हार्ट के बारे में या ब्लड वेसल्स के बारे में। और लेट्स सी हम हार्ट चूज कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हार्ट से रिलेटेड जो भी वीडियो है ये आपको बता रहे हैं, साथ में इंग्लिश में है सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पे रिटर्न में भी है, इन्होंने रिटर्न में भी दिया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें हैं ये है। अगर आपको देखना है कि कौन सी आर्टेरियल है इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बारे में सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको डिटेल चाहिए तो सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। इसको आप जूम कर सकते हो, रोटेट करके देख सकते हो आप इजीली इसको।
सोएस अभी आपने देखा ये लेक्चर हॉल था यूनिवर्सिटी का, यहाँ पे जो भी लेक्चर्स होते हैं पूरे ग्रुप सिस्टम में वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। अभी जैसे आपने देखा जो लोकल स्टूडेंट्स थे यहाँ के उज़्बेक स्टूडेंट वो बैठे हुए थे, एक्चुअली यहाँ पे कुछ रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे कजाकिस्तान से और उनका कुछ चल रहा था यहाँ पे, जो भी सेरेमनी थी या ओरिएंटेशन वगैरह थी वो प्रेजेंटेशन चल रही थी तो उसी के बारे में चल रहा था, तो हमने परमिशन ली उनसे, रिक्वेस्ट की, तो वीडियो थोड़ी सी आपको एक क्लिप दिखा दी है। बाकी चलो अब आगे बढ़ते हैं और इस कैंपस को और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ अंदर में ही कैफ़े है, रेस्टोरेंट है, कि अगर आपको बीच में क्लासेस के बीच में जब आपका ब्रेक होता है अगर आपको खाना वाना खाना है तो आप यहाँ पे आराम से आके बैठ के खा सकते हैं, तो घर से लेके आ सकते हैं हॉस्टल से, या फिर यहाँ पे अगर आप जो इनका लोकल फूड है वो खा सकते हैं तो फिर यहाँ पे आपको खा सकते हैं। चलो आपको दिखाता हूँ। ये आपने अभी देखी है थी लाइब्रेरी यहाँ पे इंडिजन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट की, और जो भी यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है बिल्कुल एडवांस सिस्टम यहाँ पे रखा हुआ है, कंप्यूटर्स हैं ताकि आपको अगर यहाँ पे आगे पढ़ना है पीडीएफ से पढ़ना है या फिर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आपको पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और अपनी बुक्स लेके आके भी यहाँ पे आप बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं। तो चलो आगे चलते हैं। एक और लाइब्रेरी है जो बड़ी है, वहाँ पे एक छोटा सा लाइब्रेरी थी, वो काइंड ऑफ एक स्टडी हॉल आप उसको बोल सकते थे, फ्री टाइम में जब आपके पास टाइम अवेलेबल हो तो आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं बीच में ब्रेक के टाइम में जाके। और जो मेन लाइब्रेरी है वो है यहाँ पे बिल्कुल कैंपस के पीछे ही है, इन बिल्ड कैंपस, जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। आप देख कितनी बुक्स यहाँ पे रखी हुई है, ये पूरा का पूरा बुक सेक्शन है यहाँ पे। और इससे पहले जो आपको वहाँ पे स्टडी रूम था बैठना, इलेक्ट्रॉनिक रूम था कि अगर आपको कंप्यूटर में बैठ के पढ़ाई करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं, बुक से आपको पढ़ना है तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। गाइस ये आप देख सकते हैं ये इंडियन ऑथर की भी बुक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, अगर मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि इंडियन ऑथर की बुक मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। ये देखिए रॉबिन्स बेसिक पैथोलॉजी की बुक है, साइकेट्री की है, इसी तरीके से मतलब इंडियन जो ऑथर्स होते हैं उनकी बुक्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो जैसा कि आपने अभी देखा जो लाइब्रेरी थी यहाँ पे इंडिजन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट की, बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी है, मैंने आपको पूरा टूर करवाया, इवन इंडियन ऑथर्स की यहाँ पे बुक्स अवेलेबल हैं, और बुक्स इतनी सारी बुक्स अवेलेबल थी ना कि मैंने पूरे उज़्बेकिस्तान में अभी तक कहीं पे भी इतनी बड़ी लाइब्रेरी नहीं देखी फ्रेंकली स्पीकिंग। और जो सेंक्शन से इन्होंने बनाए हुए थे, अलग अलग सेक्शन से इन्होंने बनाए हुए थे कि अगर आपको कंप्यूटर पर बैठ के पढ़ाई करनी है तो आप वो कर सकते हैं, अगर आपको बुक्स से पढ़ाई करनी है तो वो कर सकते हैं, और एक पूरा का पूरा सेक्शन आपने जैसा कि देखा वो सारा का सारा बुक्स का था। तो गाइस ये कैंपस का टूर हो गया है, अभी एक और जो न्यू कैंपस है वो भी वहाँ पे भी हम जाएंगे, वो भी आपको टूर करवाते हैं, चलो चलते हैं। स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट का एक डिपार्टमेंट ये है जहाँ पे फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट यहीं पे सारे होते हैं, चलो आज आपको इनका भी टूर करवाते हैं।
that startups, these startups can know about these substances. Actually, cold. And we use some kind of gas in nitrogen or carry the substances by the cold. Special phase. एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे सामने यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी के सामने यहाँ पे ये मार्केट वगैरह अवेलेबल है कि अगर आपको कुछ भी यहाँ से खरीदना है, खाना पीना है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं और आराम से खा पी सकते हैं। तो अभी चलते हैं न्यू कैंपस की ओर और आपको न्यू कैंपस भी दिखाते हैं। चलिए, तो गाइस ये है मेरे पीछे, आप देख रहे हैं, ये है न्यू कैंपस। और यकीन मानिए कि इतना बड़ा कैंपस है ये, लगभग 3-3.5 किलोमीटर के एरिया में ये पूरा फैला हुआ है। और इसकी जो एंट्री गेट है, कम से कम 10-12 एंट्री गेट्स हैं यहाँ पे। अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, अंदर जाना अलाउड नहीं है, वहाँ अंदर जा नहीं सकते, बट विद इन 1 ईयर में ये कंप्लीट हो जाएगा। और जब ये रेडी हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि पूरे उज्बेकिस्तान में एंडिजन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट से बेटर कैंपस किसी भी यूनिवर्सिटी का होगा, या फिर यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किसी भी यूनिवर्सिटी का नहीं मिलेगा आपको। और विद इन 1 ईयर में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। बाकी जो यूनिवर्सिटी के बारे में मेरा ओपिनियन है, जो मेरे को ये लगा है यहाँ पे घूमने के बाद, देखने के बाद, एक्सप्लोर करने के बाद, तो एंडिजन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इज़ द परफेक्ट चॉइस फॉर यू अगर आप उज्बेकिस्तान में MBBS करने के लिए आ रहे हैं तो। क्योंकि यहाँ का कैंपस बहुत बढ़िया है, एजुकेशन क्वालिटी बहुत बढ़िया है, पेशेंट का जो आउटफ्लो है वो भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि किर्गिस्तान के जो पेशेंट होते हैं वो यहाँ पे आते हैं, आपको पता ही है किर्गिस्तान इतना डेवलप नहीं है, वहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम इतना डेवलप नहीं है। तो मात्र यहाँ से 30-35 किलोमीटर की दूरी पे ही यहाँ से एक सिटी है जो किर्गिस्तान की, उस सिटी के भी जितने भी पेशेंट्स होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे एंडिजन स्टेट मेडिकल के हॉस्पिटल्स में आते हैं। बाकी आपको जो हॉस्पिटल का टूर है वो भी मैं आपको करवाऊंगा, हॉस्टल का टूर है वो भी मैं आपको करवाऊंगा, और कोशिश करेंगे जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनका रिव्यू लेने की, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे ओपिनियन यहाँ पे है कि आप बेफिक्र होकर ये यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं। एज कम्पेयर टू जितना भी यूनिवर्सिटीज़ में मैं घूमा हूँ, उन यूनिवर्सिटीज़ के साथ कंपेयर करने के बाद मुझे ये परफेक्ट चॉइस लगी है। बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत ही जो लोग हैं यहाँ के, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है यहाँ पे इंडियंस के लिए। और एक चीज़ और मैंने यहाँ पे एंडिजन में जो अलग देखी है वो ये है कि जैसे उज्बेकिस्तान के दूसरे में जैसे ताशकंद था या फिर दूसरी सिटीज़ थी, वहाँ पे मोस्टली लोगों को रशियन आती थी, बट यहाँ के लोगों को थोड़ा रशियन एज कम्पेरेटिवली थोड़ा कम लोगों को यहाँ पे आती है। क्योंकि इनका जो इफेक्ट है उज्बेकिस्तान पे इतना यहाँ पे, मतलब जो रशियन इफेक्ट है वो इतना यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। मोस्टली ये जो यूरोपियन स्टैंडर्ड को ये फॉलो कर रहे हैं। और सिटी की भी बात करें तो सिटी भी काफ़ी अच्छी है, ये बहुत ही प्यारी सिटी है। अगर दूसरी सिटी के साथ कंपेयर करें, लाइक ताशकंद या फिर नमनगन, मैं जो घूमा हूँ अभी तक और रास्ते में जो भी मैंने देखा है, उनसे बहुत ज़्यादा बेटर और क्लीन और डेवलप्ड सिटी ये एंडिजन सिटी है। तो गाइस अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे कांटेक्ट नंबर पे, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और हमने एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप बनाया है, वो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें हम सारी अपडेट देते हैं, आगे क्या रूल में चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्राइटेरिया है एडमिशन का यहाँ पे उज्बेकिस्तान में, सारी अपडेट उसमें मिलती रहेगी और हमारे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट भी उसमें आपको मिलती रहेगी। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।